में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों ने 10 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जो घर धंसा था उसमें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 7 लोगों को बचा लिया गया, 3 लोगों की दुखद मौत हो गई है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और 3 लोगों की दुखद मौत भी हो चुकी है। देवघर के बम बाबा रोड में हुए घर धराशाही में जिस तरह से लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, जिसमें कि 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, हालांकि उसमें 3 कैजुअलिटी भी है। हमारे साथ एनडीआरएफ के पदाधिकारी, हम सीधे इनसे बात करते हैं। सर, अब रेस्क्यू खत्म कर लिया गया है, किस तरह से आप लोगों ने रेस्क्यू को किया, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी क्या स्थिति है? अभी अगर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन ख़त्म हुआ, हम एक बार फाइनल फिर दोबारा सर्च के लिए जा रहे हैं कि कहीं कोई और विक्टिम तो नहीं हो, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे को सुबह के 6 बजे के करीब में हमारे को इस घटना के बारे में जानकारी मिली। बिना समय गमाए हुए हमारी जो टीम है वो घटना स्थल पर आई। घटना का मुआयना करने के बाद इसमें कुल 9 लोग थे, जिसमें कि 2 बच्चियां जो है वो पहले ही निकल चुकी थी। उनने बताया कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर है, उनने लोकेशंस बताया, और जो यहाँ पर उनके साथ है और सगी संबंधी लोग थे उन लोगों ने भी उनकी लोकेशंस को बताई। लोकेशन को हमने पहले विक्टिम्स की लोकेशन को हमने सुनिश्चित करने के बाद जहाँ पर विक्टिम को हमने पहले देखा कि कहाँ से हम इस कोलैप्स बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं, तो जहाँ पर हमने सर्च करना स्टार्ट किया वहाँ पर एक महिला जो थी वो बात कर रही थी। हमने उनसे बात करा, सबसे पहले हमने उस लोकेशन को हमने पहले एसेस करा, और एसेस करने के बाद पहले वो जो महिला जो बात कर रही थी उनका हमने सकुशल निकाला, और उनके साथ में ही उनके हस्बैंड थे जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में थे, उनको भी निकाल करके हमने इमिडिएटली जो है हॉस्पिटल में भेजा। कितना चैलेंजिंग भरा रहा है ये? काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने लाइव विक्टिम्स को निकाले हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ी हमारे को। जिंदगी की जो जंग थी वो हमने जीती है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मनीष दुबे, News18 देवघर। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते लोगों को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि देवघर हमारा अच्छे से रहे, बाबा नगरी के कारण हम इतने प्रसिद्ध हैं विश्व भर में, तो उस प्रकार से हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और गिरडी के CCL इलाके में अवैध रूप से संचालित कोला खदानों को JCB से ध्वस्त किया गया। SDPO के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। कोयले की अवैध उत्खनन की लगातार पुलिस को जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार सूचना मिल रही थी कि CCL क्षेत्र में जो है अवैध रेट हॉल बना के, जिसको खंता बोलते हैं, वहाँ गैरकानूनी रूप से जमीन के अंदर से कोयला निकालने की सूचना आ रही थी। इसी बाबत आज CCL के GM साहब और हमारे थाना प्रभारी शाह इंस्पेक्टर और तमाम जो है सुरक्षा कर्मी जो है आके इस चीज़ों को हम लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं, और ये लगातार होते रही है और होते रहेगी। जहां भी इस तरह का चीज़ें मिलेगा हम लोग उसको। और गोड्डा में News18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रोफेसर कॉलोनी में जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए 2 मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अचानक मोटर में आई तकनीकी खराबी की वजह से काम रुक गया। लोगों का कहना है कि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पूरे मामले पर नगर परिषद ने कहा है कि पंप के जरिए पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चे का अभी एग्जाम है, एग्जाम के लेके बच्चा 3 दिन से अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 8 से एग्जाम है बच्चे का, क्या गति हो रहा है बच्चे का? हम लोग तो ड्यूटी पर रहते हैं, बच्चे इस पानी में कैसे पार होगा? हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सोल्यूशन हो, अगर आज सोल्यूशन नहीं होता है तो कल हम लोग भागलपुर रोड जाम करेंगे। यहाँ पर खबर चला, खबर के बाद परिषद नगर परिषद जो है वो 2 मशीन भेजी, क्या संतुष्ट है मशीन से, एक बूंद में पानी निकल पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो सोचे थे कि आज कुछ समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सांसद और विधायक तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए, कम से कम नगर में देखने के लिए आना चाहिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। और ये तो हमको लग रहा है कि कभी कामयाब होगा ही नहीं, ये तो समंदर है, समंदर से 2-4-10 बाल्टी पानी निकालने से क्या होगा। कॉलम पूरा किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ कॉलम पूरा किया जा रहा है,
आई थिंक कि मैंने दो से तीन घंटे पहले एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर एमएलए सर को भी यहाँ पर सेंड किया, मैसेज सेंड किया, और एमपी सर को भी सेंड किया, बट उधर से भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। इवन कि दुबे जी के ट्वीट पर भी मैंने ट्वीट किया है एक वीडियो, बट अभी तक कहीं कोई रिप्लाई नहीं। कॉलोनी में बीते चार दिनों से समस्या है, पूरा घुटना भर पानी सड़कों पर बह रहा है, नाले का पानी, और आज नगर परिषद द्वारा दो मशीनें भेजी गई लेकिन वो भी कुछ काम नहीं कर पाई सर। नहीं, जो मशीन थी कुछ देर चली, उस टेक्निकल कारण से नहीं चल पा रही है। अभी निर्देशित किया गया है जई को, उसको देखा जा रहा है, तुरंत उसको दवाई ठीक कराते हुए पुनः उसको स्टार्ट किया जाएगा, और अगर वो मशीन ठीक नहीं हो पाती तो नया प्रोक्योरमेंट करके वहाँ पर जल का निकासी किया जाएगा। और हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भ्रूण हत्या मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। हजारीबाग के इचराक थाना क्षेत्र में गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत हुई थी। इस खबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और उपायुक्त के निर्देश पर प्रखंड प्रशासन सक्रिय हुआ। अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। हत्या की खबर देखने को मिला है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो मेरा जिला प्रशासन से यह आग्रह होगा कि ऐसे मामले जो निजी अस्पतालों में इस तरह के मामले जो देखने को मिल रहे हैं, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत। लग रहा था कि पहले से पेट में पता चल गया था कि बच्ची है, तो उसके बाद उसका एबॉर्शन कराया गया, जिसके कारण बच्ची और उसकी माँ की भी मौत हो गई। तो मैं PCPNDT एक्ट के तहत एक टीम गठित कर दिया हूँ, जो भी उसका रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगी। अब ये जांच का विषय है कि कोई चिकित्सा कोई डॉक्टर किए हैं या कोई किसी अन्य झोला साहब से करा लिया गया है, तो ये जांच के बाद उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और खबर गढ़वा से है, जहां भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप से 9 साल के बाद FIR दर्ज हुई है। 2015 में हुए सामान आपूर्ति घोटाले में ये मामला दर्ज किया गया था। नगर पंचायत गढ़वा में बस स्टैंड एवं टाउन हॉल के जीर्णोद्धार और शहर में LED लाइट लगाने और डस्टबिन को खरीद में अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी ने इसकी जाँच भी की, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनके पति समेत कई लोग दोषी पाए गए। कमेटी की सिफारिश के बावजूद भी मामला दर्ज नहीं करा गया। इसके बाद अनिल कुमार पांडे ने इस मामले में लोकायुक्त के पास ले गए, तब लोकायुक्त ने भी कमेटी की जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी 9 सालों तक इस मामले में चुप्पी बनी रही और जांच में दोषी पाए गए लोग बेखौफ रहे। परेशान होकर अनिल कुमार पांडे ने इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वा नगर पंचायत में साल 2015 में हुए घोटाले के मामले में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। देखिए, ये 2015 का मामला था, नगर परिषद के मार्फत से कुछ यहाँ पे काम हुए थे और उस काम में फिर जांच हुई थी तो कुछ अनियमितता पाई गई थी, उसी के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस पर आज हम लोग FIR रजिस्टर्ड किए हैं, FIR रजिस्टर करके अनुसंधान कर रहे हैं। और खबर सरायकेला से है, जहां बंगाल की सीमा से लगे हुए गांव के चौक चौराहों पर 4 साल बाद उजाला हुआ है। गांव के मुख्य चौक पर रोशनी आने से ग्रामीण बेहद खुश हैं। ग्रामीणों ने बम पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज बीड़ा उठाए और आज हमारे एक टारगेट है, जो कि विधानसभा अंतर्गत जितने भी लाइट हैं खराब, हाई मार्क्स लाइट, जितने भी लाइट खराब है इनको रिपेयर करेंगे और पुनः जो है कि उस लाइट को सुचारू रूप से चला के क्षेत्र के जनता को एक नया उजाला के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंधेरे से हम लोग झिमड़े गाँव वासी को मतलब लाइट का ऊर्जा दिखाया, जबकि इससे पहले हमारे साधुचरण महतो ने विधायक फंड से ये लाइट दिया गया था, लेकिन आज 3-4 साल से खराब हो गया था। इसके लिए हम लोग विभाग को भी लिखा था और हमारे गांव वालों ने विधायक से भी अनुरोध सविता महतो से भी किया था, क्योंकि सरकारी फंड से बनाया गया था, चाहता तो विधायक अपना फंड दे सकता है, दे करके बना सकता है। 3-4 साल हम लोग अंधेरे से गुजर रहे थे, ये मोड़ है, चौक चौराहा है, इसमें कभी भी मतलब कुछ घटना घट सकती है, इसलिए
प्रयास करते करते विनोद जी से हम लोग प्रार्थना किए कि भाई हम लोग का लाइट बनाने से बहुत अच्छा होगा, गांव के लिए उजाला होगा और इससे जो कि आगे चल के और भी अच्छा होगा कि भाई कोई एक्सीडेंट घटा, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे। इसके बारे में बोलने के साथ इन्होंने 3 दिन पहले हम लोग बोला, 3 दिन के अंदर इन्होंने लाइट बनवा दिया जिससे कि हमारा गांव बहुत उजाला होगा।